सुकरात कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे पक्का तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। कमजोरी ये कोई बुरी बात नहीं है, यह एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमें हमारी मानवता की याद दिलाता है। ये तो हम सबके जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना हो, कभी ना कभी कमजोरी का सामना करता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही ताकत के साथ कमजोरी भी आती है। यह जीवन का चक्र है जो हमें संतुलन में रखता है। यह हमें इंसान बनाती है, हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती है। जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम अपनी कमजोरी से घबरा जाते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भागना हमें और कमजोर बना देता है। लेकिन याद रखें, भागने से समस्या का हल नहीं होता। हमें अपनी कमजोरी का सामना करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। हमें अपनी कमजोरी का सामना करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक बार जब हम अपनी कमजोरी को समझ लेते हैं तो हम उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य मांगती है। यह एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमें मजबूत बनाता है, हमें कामयाब बनाता है। इस सफर में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। इस सफर में मैं आपका साथी हूं। हम मिलकर इस सफर को तय करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। आइए मिलकर इस सफर को शुरू करें और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। यह सफर न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि हमें एक समुदाय के रूप में भी मजबूत करेगा। कमजोरी को ताकत में बदलने का पहला कदम है उस कमजोरी को पहचानना। यह एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें पार करने की दिशा में ले जाता है। कौन सी चीजें आपको पीछे खींचती हैं? क्या यह आपकी असफलताओं का डर है या फिर किसी काम में नाकामयाब होने का डर? किस काम को करते समय आपको डर लगता है? क्या यह किसी नए काम की शुरुआत है या फिर किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव? हो सकता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो। यह एक आम डर है, लेकिन इसे पहचानना और स्वीकार करना ही पहला कदम है। या शायद आपको अपनी राय रखने में झिझक होती होगी। यह भी एक सामान्य बात है, लेकिन इसे पहचानना और इस पर काम करना महत्वपूर्ण है। यह सब सामान्य बातें हैं। हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, और यह डर हमें इंसान बनाता है। हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। यह डर हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराता है और हमें उन्हें सुधारने का मौका देता है। कमजोरी को पहचानने के लिए ईमानदारी से खुद का आकलन करें, अपने आप से सवाल पूछें और अपने जवाबों को ईमानदारी से स्वीकार करें। अपने अंदर झांकें और देखें कि आपको किन चीजों में सुधार की जरूरत है। यह आत्मविश्लेषण का समय है और यह आपको अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की दिशा में ले जाएगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह सबसे जरूरी कदम है। यह कदम आपको आत्मविश्वास और साहस देगा और आपको अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने में मदद करेगा। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं तो आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। तो अपनी कमजोरियों को पहचानो, डरो मत। यह आपकी ताकत बनने की दिशा में पहला कदम है। इस यात्रा को अपनाओ और देखो कि आप कितनी दूर जा सकते हो। कमजोरी को स्वीकार करना आसान नहीं होता। कई बार हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद से नाराज होने लगते हैं, लेकिन यह रवैया हमें और कमजोर बनाता है। याद रखें, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। जैसे आप अपने दोस्त की कमजोरी को स्वीकार करते हैं, उसे प्यार करते हैं, वैसे ही खुद को भी स्वीकार करें, खुद से प्यार करें, खुद से कहें, हां मुझे यह कमजोरी है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं। खुद पर विश्वास रखें, खुद को मौका दें। जीवन में हार और जीत तो लगी ही रहती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी हार का सामना न किया हो। हार से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। जब आप हारते हैं तो आपको यह समझने का मौका मिलता है कि आपने कहां गलती की। उस गलती से सीखें और उसे दोबारा न दोहराएं। हार को एक अवसर के रूप में देखें,
ये एक ऐसा अवसर है जो आपको और मजबूत बनाता है, आपको और तैयार करता है। हार से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। अनुशासन आपका सबसे अच्छा दोस्त। अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि आप अनुशासित रहें। अनुशासन वह कुंजी है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। बिना अनुशासन के आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। यह वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने लिए कुछ नियम बनाएं और उनका पालन करें। यह नियम आपके दैनिक जीवन को संगठित और प्रभावी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप रोजाना शीशे के सामने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको आत्मविश्वास और साहस देगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अनुशासन का एक और उदाहरण है सुबह जल्दी उठना और स्वस्थ नाश्ता करना। यह आदतें आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाती हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करें या नए कौशल सीखें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। और जब यह आपकी आदत बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी कमजोरी धीरे धीरे दूर हो रही है। अनुशासन आपके जीवन को एक नई दिशा देता है और आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। अनुशासन के साथ आप न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप अपने पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अनुशासन का मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। यह आपको समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है और आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, अनुशासन वह मार्ग है जो आपको आपके जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाता है। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। छोटे कदम, बड़ी सफलता। अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाएं। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो शुरुआत में सिर्फ नमस्ते या कैसे हैं आप जैसे छोटे छोटे वाक्यों से बात करना शुरू करें। धीरे धीरे जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आप लोगों से बेहतर तरीके से बात कर पा रहे हैं। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सकारात्मक सोच सफलता का मंत्र। सकारात्मक सोच की ताकत अद्भुत होती है। जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो आप अपने आसपास सकारात्मकता का संचार करते हैं, और यह सकारात्मकता आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। जब भी आप अपनी कमजोरी के बारे में सोचें, तो उसके नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान न दें, बल्कि यह सोचें कि इस कमजोरी को दूर करके आप अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। दूसरों से प्रेरणा, खुद का निर्माण। हम अकेले ही इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला है। उनकी कहानियां पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी पर काबू पाया और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाई। असफलता से डरो मत, ये तो सफलता की सीढ़ी है। असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। हर सफल इंसान ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आप असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। अपनी गलतियों को सुधारें और फिर से कोशिश करें। कमजोरी को ताकत में बदलना एक सतत प्रक्रिया। कमजोरी को ताकत में बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह तो एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। जरूरी है कि आप धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन गई है। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, कमजोरी को ताकत में बदलना कोई चमत्कार नहीं है। यह तो एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें। मुझे विश्वास है कि आप भी अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। याद रखें,
अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।